हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में, सभी मेन लाइन आईपीओ के बारे में जो ओपन है करंट में और जो क्लोज हो चुके हैं या फिर अपकमिंग आईपीओ जो फाइनल है उनके बारे में। उसके साथ गाइज एसएमई कैटेगरी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो क्लोज हो चुके हैं, उनके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेटेस्ट डिटेल्स, अपडेट्स, अलॉटमेंट कहाँ आएगा, कब चेक करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, साथ में सारी महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो आपको गाइज करनी है दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो वीडियो अंत तक बने रहना है ताकि आपको एसएमई कैटेगरी आईपीओ और मेनलाइन आईपीओ के बारे में पता चल सके। दूसरा, अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बेहतर अपडेट्स हमेशा आपको हमारी तरफ से टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइस, अपनी डिटेल्स में सबसे पहले हम मेनलाइन आईपीओ डी डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइस, डी डेवलपमेंट आईपीओ क्लोज हो चुका है। आप सबने अप्लाई किया है नहीं किया है कमेंट करके बताना जरूर। गाइस, बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स की, तो आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो 24 को आएगा और 26 को इसके लिस्टिंग डेट है। गाइस, जो अलॉटमेंट आएगा वो LinkedIn टैंक की वेबसाइट पे आएगा। अगर जो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं चेक करना आता है तो आप अलॉटमेंट के चेक करने के पूरे प्रोसेस को इस वीडियो में देख सकते हो जो आपके सामने थंबनेल मैंने लगा रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हाउ टू चेक अलॉटमेंट इन डी डेवलपमेंट एंड एक्मे फिनट्रेड, क्योंकि एक्मे फिनट्रेड का जो रजिस्ट्रार है वो अलग है, उसका अलग तरीके से चेक होगा और इसका अलग तरीके से। ठीक है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। तो गाइस, आईपीओ प्राइस वन की बात करें तो 203 है स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे और जो साइज है 418.0 वन करोड़ का। बात करें गाइस इस आईपीओ के करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो मैंने फर्स्ट से डाउन होता दिखा। इसके पहले जो अलॉटमेंट वाली वीडियो थी उसको आप जाके देखोगे तो उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ और था। ठीक है, अभी करंट में जो जीएमपी है वो हमें 85 टू 88 89 रुपीस के आसपास निकलती दिख रही है। कहीं कहीं पे मैक्सिमम डिमांड 90 रुपए तक ही कह सकते हो, बट 88 तक की ही डिमांड है मोस्टली सेंटर्स पे। ठीक है, तो गाइस इसके हिसाब से अराउंड 43-44% अगेन अप्रोक्सीमेटली होता है। जो अगला आईपीओ गाइस उसके बारे में आपको बताने से पहले बता दूं कि अब तक अगर जो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे नहीं जुड़े हो तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हो। मंडे से आपको यहाँ पे इस तरह से जैकपॉट गेन मिलने लग जाएगी। देख सकते हो ये लास्ट वीक का है, 200 पॉइंट अगेन देख सकते हो, यहाँ पे 125 पॉइंट अगेन देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक हम काफी टाइम से आपको बताते आ रहे हैं और जब इस बार तेजी आनी शुरू हुई है उसके पहले से ही हमने आपको बता दिया था कि इस पे आपको नजर रखना है। इसके अधिक देख सकते हो यहाँ पे 1300 पॉइंट का जैकपॉट गेन का कॉल, देख सकते हो 1780 पॉइंट का, देख सकते हो यहाँ पे 3600 पॉइंट का, सीधे सीधे 6 गुना हुई है कैपिटल। ठीक है, बड़े आराम से 2,000-5,000-10,000 बनाया जा सकता था सिंगल लॉट में। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे स्विंग लेवल इस तरीके से शॉर्ट टर्म लेवल और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, नंबर एक पे जरूर ज्वाइन कर लेना, नंबर दो पे न्यूज चल का जहां पे आईपीओ के जीएमपी, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, मार्केट की रिफाइन न्यूज आती है। ठीक है, हर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट आपको जानना है तो दो नंबर वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, नंबर एक वाला ये चैनल बताया दिया, और नंबर तीन पे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां भी काफी सारी अपडेट्स आपके लिए आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस और एक्मे फिनट्रेड के बारे में बात करते हैं। एक्मे फिनट्रेड की जो डेट्स हैं वो पिछले आईपीओ की तरह सेम ही है, अलॉटमेंट इसका भी 24 को आएगा, लिस्टिंग 26 को होगी, बट इसका रजिस्ट्रार चेंज है। इसका रजिस्ट्रार है बिग सैर सर्विस। ठीक है, तो अगर जो आपको अलॉटमेंट नहीं चेक करना आता है, मैंने बताया है वो वीडियो, जाके आप देख सकते हो, उसमें डिटेल में बता रखा है। ठीक है, इस आईपीओ का प्राइस की बात करें तो 120 रुपीस का है स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे और जो साइज 132 करोड़ का है। बात करें गाइस इस आईपीओ का करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जो जीएमपी है वो 25 रुपीस के आसपास निकलता दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी सी डिमांड इसमें भी कम हुई है, जिसके हिसाब से अराउंड 20-21% अगेन अप्रोक्सीमेटली होता है। जो अगला आईपीओ गाइस वो है स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड। स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड जो है वो अभी 21 को ओपन हुआ है, 24 को क्लोज होगा, तो टाइम बाकी है। अगर जो आपने अब तक इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर आप देख लेना। इसके बारे में हमने डिटेल में सब कुछ बता रखा है। ठीक है, मोनोपोली बिजनेस है बट काफी कुछ प्रॉब्लम्स भी है, काफी कुछ अच्छा भी है, तो जाके आप वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है इस आईपीओ में। ठीक है, तो स्टैनली लाइफस्टाइल 25 को क्लोज होगा, मैंने आपको बताई दिया, 26 को अलॉटमेंट डेट है और 28 को इसकी लिस्टिंग डेट है। इशू का प्राइस है 369, जो कि स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे नहीं है, स्प्लिट हुआ है दो की फेस वैल्यू पे है। ठीक है, और ये चीज मैंने डिटेल वीडियो में समझाया है कि इससे प्रॉब्लम क्या होगा। इशू का साइज है 537 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू अराउंड 200 करोड़ का है। ठीक है, बात रहेगा इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो इसका जीएमपी हमें थोड़ा सा बढ़ता दिखा है, करंट जीएमपी है वो 172-175 के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 47% अगेन अप्रोक्सीमेटली होता है। जो अगला आईपीओ गाइस वो है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड। ये आईपीओ 25 को ओपन होगा, इसका भी हमने डिटेल्ड वीडियो डाल दिया है, अगर जो आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, यहाँ पे थंबनेल लगा दिया हमने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा स्टैनली का भी और एलाइड ब्लेंडर्स का भी। इस आईपीओ के गाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो अराउंड 72-75 रुपीज के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलता दिख रहा है, यानी कि जीएमपी निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से 26-27% अगेन अप्रोक्सीमेटली होता है। जो अगला आईपीओ गाइस वो है व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड। आईपीओ 26 को ओपन हो
होगा, 28 रिलीज होने वाला है। प्राइस 1207 का रखा गया है, लॉट साइज 72 का है। इस आईपीओ गाइस हमने डिटेल रिव्यू अभी तक नहीं किया है, आपको जल्दी ही हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे डाले आपको डिटेल रिव्यू वीडियो मिल जाए, उसको देख के आप फाइनली अपना एक डिसीजन बना सको कि आईपीओ सेफ है या नहीं है। ठीक है, करंट में गाइस इस आईपीओ का ग्रे मार्केट कैप की बात करें तो अराउंड 40 to 42 रुपीस के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 20-21% अगेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। तो इस मेन लाइन की डिटेल्स होती है यहाँ पे समाप्त। अब हम एसएमई कैटेगरी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, और एसएमई कैटेगरी आईपीओ में सबसे पहला जो नाम है वो है जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड। जीपी इको गाइस 24 जून को लिस्ट हो जाने वाला है मार्केट में। आपको अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला है कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, जीपी इको सॉल्यूशंस गाइस करंट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 180 to 182 के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 193% अगेन होता है। तो धमाकेदार ग्रे मार्केट में डिमांड निकल रही है और धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद भी है। अगर जो आप इसमें एग्जिट करना चाहते हो प्री ओपनिंग सेशन में, हालांकि मैं तो यही बोलता हूं कि भाई एसएमई कैटेगरी में प्री ओपनिंग में एग्जिट कर जाना ज्यादा सही है, तो गाइस आपके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है जिसमें बता रखा है कैसे हम प्री ओपनिंग सेशन में बाई करें या सेल करें, चाहे मेन लाइन हो या एसएमई कैटेगरी। यहां पे थंबनेल लगा दिया, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, जो अगला आईपीओ हमारे लिस्ट में वो है यूनाइटेड कॉट फैब लिमिटेड। ये आईपीओ भी कल के दिन 24 को लिस्ट हो जाने वाला है। इस आईपीओ का जो करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 11-12 रुपीस का निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से 60-70% अगेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। जो अगला आईपीओ होगा गाइस वो है जेम एनवायरो मैनेजमेंट। ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 24 को आएगा और इसकी लिस्टिंग 26 को होनी है। करंट में गाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अराउंड 71-72 रुपीस के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से 96% अगेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट गाइस अगला आईपीओ है। ये आईपीओ की डेट पिछले आईपीओ की तरह सेम ही है, यानी कि इसकी लिस्टिंग 26 को और अलॉटमेंट 24 को आने वाला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो हमें 1-2 रुपए का निकलता दिख रहा है, यानी कि ये लॉस में भी जा सकता है, चांसेस हैं। एक तो मुझे कॉटफैब का लग रहा है, अगर जो कॉटफैब पैब बढ़िया निकला तो फाल्कन भी निकल सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट या बढ़िया, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फाल्कन और कॉटफैब में लॉस के चांसेस हैं, काफी लोग इस बारे में मुझसे पूछ रहे थे। बाकी मार्केट अगर जो पॉजिटिव रहता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर पॉजिटिव निकलने के चांसेस भी हैं। ठीक है, अगर इस लास्ट हमारे लिस्ट में ड्यूरलेक्स टॉप सर्फेस, ये आईपीओ का भी डेट सेम है पिछले दोनों आईपीओ की तरह ही। करंट में गाइस इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अराउंड 60-61 रुपीस के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से 89-90% अगेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। तो गाइस इसके साथ ही हमारी मेन लाइन और एसएमई कैटेगरी की डिटेल्स होती है समाप्त। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में अपने उन दोस्तों साथ शेयर करिएगा ये वीडियो जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं या इंटरेस्टेड है। मिलते हैं गाइस हम अगली वीडियो में, करते हो लेकिन थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय बाय फॉर नाउ।